शेरी, तुम ढोलकी पे नहीं गए? ढोलकी? भाड़ में गई वो ढोलकी। मैं उन लोगों के घर जाऊं, इससे बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊं भाई। वहाँ क्या है? What happened? तुम सोचो सर। I mean after everything that happened today, आज जो कुछ हुआ, उसके बावजूद मैं एलिज़ा को छोड़ने गया हूँ। लेकिन उन लोगों की ऑडेसिटी तो देखो, they didn't even have the courtesy to call me। तुम्हें कॉल किया उन्होंने? ना तुम्हें कॉल किया, ना मुझे कॉल किया। What do they think of themselves? और उसकी माँ, जो मेरी माँ बनी फिरती है, didn't even call me। Can you believe it? क्या समझते अपने आप को वो लोग? I mean, इतना एटीट्यूड, सीरियसली मुझे दिखा रहे हैं, मुझे। मुझे भी कॉल नहीं आई। देखो जरा, कोई करता है ऐसे? कम से कम तुम्हें कॉल करके पूछते तो सही कि तुम क्यों नहीं आई, लेकिन नहीं, they just don't care। वहाँ फंक्शंस हो रहे हैं, गाड़ियाँ यूज हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। अरे क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? I hate them, I just hate them। ठीक है शेरी, calm down, it's okay। मुझे मालूम है ये छोटे लोग जो हैं इग्नोर करके प्रूव करते हैं अपनी बर्तरी को। शादी का टाइम है, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो यार। I want to see you happy। मैं इन लोगों के साथ खुश नहीं रह सकता, it's impossible। ये मुझे खुश रहने नहीं देंगे। आप क्या है इनकी? मुझे नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। What do they think of themselves? तो फिर तुम सबक सिखाते, मत भेजते एलिज़ा को। You know what? Fight। ऐसा नहीं होता पापा। रोशनियाँ या तो मध्यम हो जाती हैं या नजर नहीं आती। You know what the reason is, पापा? You don't care। You don't care about me, ठीक है? मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन आपको तो मैं नजर ही नहीं आती। ना मैं नजर आती हूँ, ना मेरी रोशनी। एतिशा, वो डेकोरेशन वाले आए हैं बाहर। अच्छा, मैं एलिज़ा से बात कर रहा था, आप जरा प्लीज उससे पेमेंट कर देना, बाद में बात कर। अच्छा सुनो, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं शेरी को माफ कर देता। यही तो प्रॉब्लम है बाबा। You don't see what I like। आपको सिर्फ अपनी पसंद नजर आती है। अगर तुम्हारी उससे शादी ना हुई होती तो मेरा दोस्त से कभी वास्ता भी ना पड़ता। बाबा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा और शेरी का रिश्ता खराब हो रहा है। You're hurting him। I'm not। You are। I'm not। You are, you're not realizing this। मैं चाहती हूँ इस बार उसके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए आपको उसको इज्जत देनी होगी। बहुत अच्छा इंसान है बाबा, आपके बच्चों की तरह। आपने पहले मुझे जिद पाल के रखी है। तुम्हें जिद क्यों ना लगाता बेटा? अगर मुझे उसकी असलियत ना मालूम होती तो शायद मैं भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह आंखों में पट्टी बांध के बैठा होता। पापा, उसको गुस्सा आ जाता है, मैं मानती हूँ। उसका गुस्सा बहुत टेम्परेरी होता है, लेकिन जब वो अच्छा होता है ना, उससे अच्छा कोई नहीं होता। लेकिन उससे बैलेंस करना आना चाहिए बेटा। देखो, तुम उसकी बातें बर्दाश्त करती हो, तुम उसके ख्यालात से समझौता कर रही हो, तुम्हारी औलाद के लिए अच्छा नहीं है। ये जिसको तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो, ये जो कुछ भी है, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो इंतहाई अनस्क्रूपलेस और बुज़दिल होंगे। कल को सही बात के लिए एक लफ्ज नहीं कह सकेंगे। वो मेरी बात सुनता है। आपने कब से उसे बायकॉट किया हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगा कल वो नहीं आया। मुझे नहीं पता आपको मेरी खुशी के लिए उसको बुलाना होगा, उसको यहाँ आना होगा। एलिज़ा, एलिज़ा क्या हुआ है? आपने इसलिए इसको रोका था। चुप कर जा मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तुम वरी, हम वही करेंगे जो तुम कह रही हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके बाबा, आपने सुना। मुझे अच्छा नहीं लगा कि कल शेरी नहीं आया। अब आपको मेरी खुशी का ख्याल करना होगा। वो मेरा शोहर है यार, अगर उसको नहीं बुलाएंगे ना आप, तो मैं भी शादी में नहीं आऊंगी। जिस घर में उसकी इज्जत नहीं है, वहां मैं नहीं आऊंगी। अब सबसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये कोई वक्त है ये बातें करने का? प्लीज, बच्ची की शादी है घर में और आप अजीब बातें लेके बैठ गए। चुप कर जाओ बस, इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा, बस चुप कर जाओ। ये तो कल ही आने का जिद कर रही थी, मैंने दवाई दे के सुला दिया था क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। शी वाज इन पेन। ओह दैट्स वेरी सैड। अब बेहतर हो बेटा? जी शेरी, तो आए थे सब तुम्हारा वेट कर रहे थे ढोलकी पे। जी वेट कर रहे थे आपका। अच्छा रियली? मुझे तो लग रहा था यू गाइज वर फाइन विदाउट मी। आई मीन जिसकी जरूरत थी वहां पर शी वाज देयर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, सब बहुत पूछ रहे थे आपका। देखो रमज़ा, मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ और शायद इसी वजह से सबको बुरा भी लगता हूँ। भाई जब मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया तो मैं क्यों आऊंगा? आखिर मेरे भी कोई रिस्पेक्ट है। मैंने तुम्हें कॉल्स की थी, तुम अटेंड नहीं कर रहे थे। नहीं अंकल, मुझे आपकी कोई कॉल नहीं आई और अगर आई होती तो मैं रिप्लाई करता, कोई ऐसी वजह तो नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, शायद कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं रमज़ान नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। दरअसल मुझे पता है आंटी आई थी कार्ड देने के लिए, लेकिन जब वो आई थी तो घर पे कोई नहीं था, और अगर घर पे कोई नहीं था कम से कम डैड को या नताशा को फ़ोन तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, नो वन इवन बॉदर्ड। देखिए मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन इतना तो मेरा हक है ना कि मैं अपनी इज्जत संभालूं। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन शादी के घरों में इस तरह की मिसमैनेजमेंट हो जाया करती है। बस अलीज़ा काफ़ी अपसेट रही इस बारे में। अंकल आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे डैड की करता हूँ, और मैं रिश्तों की ऊंच नीच को भी समझता हूँ, इसलिए तो अलीज़ा को जाने दिया मैंने, रोका नहीं। ये अलग बात है कि वहां जाके भी इसने मुझे जलील ही करवाया। मैंने एक ढोलकी पे किस हुलिये में पहुंच गई थी वहां। आप जानते भी हैं कल हुआ क्या? मैंने जल्दी छुट्टी ली ताकि मैं मैडम को सैलून ले जाऊं, लेकिन ये तो पहले ही निकल गई मीरब के साथ, और फिर मीरब को सारा दिन बाहर गाड़ी में वेट करवाया जैसे वो कोई ड्राइवर है। Do you even know what I had to deal with? मैं इतना शर्मिंदा हुआ उसके सामने, लेकिन ये बात एलिज़ा ने तो नहीं बताई होगी आपको। नहीं शेरी, मैंने उन्हें रुकने को नहीं कहा था, मुझे नहीं पता था वो बाहर खड़े हैं, मैं समझी वो चले गए हैं। It's okay एलिज़ा। बात का क्या मतलब था यार कि तुम्हारी माँ को उस घर में बहुत सारे काम है? Wait, what was he trying to say? आए क्यों थे यहाँ पर? इतनी बातें सुना के चले गए। तुम्हारे पैर में मोच आएगी इसमें मेरा कसूर है कोई? इस घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? ये बार बार कह रहे हैं कि तुम वीक हो गई हो, वीक हो गई हो। खाती पीती नहीं हो तुम क्या? What the hell was he trying to say? समझ नहीं आ रहा, मैं दावत में इनवाइट करने आए थे वो या ये सारी बातें सुनाने आए थे? शेरी क्या हो गया? बाबा है वो मेरे, परेशान हो गए थे और जिस कंडीशन में वहां पहुंची थी मैं, सब शॉक हो गए थे। But that was all you. It had nothing to do with me or this house. I'm so tired of this यार। Sherry, it's okay. Relax. It was just a slip of tongue. मैं क्या करूँ यार? मेरी बहन की शादी है, पापा आए थे तुम्हें इनवाइट करने। प्लीज तुम नाराज मत हो, प्लीज प्लीज। मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं समझदारी से काम लूँ। शेरी शेरी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, उसमें पता है मेरा कल दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, बिल्कुल भी नहीं। जी घबरा सा रहा था, तो मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रही थी तुम्हारे बगैर। Don't love me anymore. No, I do love you, I swear. Please. शेरी मैंने तुम्हारे कपड़े सारे इस्त्री करवा दिए हैं, प्लीज़ कल वही वाला सूट पहन के आना और बहुत अच्छे तैयार होकर आना। बहुत बड़ा इवेंट है, अच्छी सी ढोल की, और प्लीज़ जल्दी आ जाना यार, डोंट बी लेट लाइक ऑलवेज। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? Why are you packing? वो शेरी में पैक कर रही हूँ सारी चीज़ें, काम बहुत है और बार बार आना जाना बहुत मुश्किल है, तो मैं एक साथ ही ना सारी चीज़ें ले जाऊँगी, थोड़ी देर में निकल जाऊँगी, फिर रुखसती हो जाएगी ना जब रमज़ान की, तब वापस आ जाऊँगी। अच्छा, तो तुमने इजाज़त ली कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर पे जा सकती हो? क्या मतलब? I mean, did you ask for my permission? शेरी क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माँ को वहाँ मेरी ज़रूरत है, एक बड़ा इवेंट है, रमज़ा की शादी है। What's wrong with you? तो तुम अगर रमज़ा की बहन ना होती तो फिर क्या होता, क्या करती तुम्हारी माँ? But I need to say, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है शेरी। नहीं नहीं बताओ ना मुझे, अगर रमज़ा की कोई बहन ही ना होती तो क्या करती तुम्हारी माँ? सारे काम खुद ही करती ना। शेरी what's wrong with you? मेरी बहन की शादी है, मेरी एक ही बहन है, माँ को वहाँ मेरी ज़रूरत है। जैसे नताशा तुम्हारी बहन है वैसे रमज़ा मेरी बहन है, मैं उतना ही प्यार करती हूँ। मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि कौन किससे कितना प्यार करता है। I'm just asking, क्या तुमने मुझसे इजाजत ली कि तुम अपने घर जा सकती हो कुछ दिनों के लिए, हाँ या ना? नहीं ली। Exactly. जब तुमने इजाजत नहीं ली इट मीन्स तुम जा भी नहीं सकती। अच्छा शेरी मैं अब इजाजत ले लेती हूँ, मुझे बताओ क्या मैं माँ के घर जा सकती हूँ? नहीं, नहीं जा सकती। शेरी what's wrong with you? यार they're on their way. I don't care. Send them back. और वापस रखो ये सामान सारा। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला?